सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैनन 80D अनबॉक्सिंग। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि क्या हमको आपको भी कैनन 80D लेना चाहिए और इसमें क्या फ़ायदा होता है और पूरी इसमें क्या क्या ट्यूटोरियल हमारे को देखने को मिलता है, तो पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। कैमरा परचेस किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर मेरे को ये कैमरा और ये इसका फ्लैश मैंने साथ में लिया था और इसकी बैटरी वगैरह चार्जर वगैरह सब कुल मिला के 1,03,000 के समथिंग इसका पड़ा था इसका प्राइस। और आप अभी इसकी प्राइस और घट या फिर आपको बड़ी होगी तो अभी आपको पता नहीं है। इस वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये आपके प्राइस बढ़ या घट चुकी होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अनबॉक्सिंग करके बता दूँ। तो सिंपली इसको करते हैं ओपन। तो सिंपली आप इसे सिंपली सबसे पहले इसको ओपन करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके सामने, जैसे कि ये बुक देखने को मिलेगी कैमरे की, और ये आप देख सकते हैं ये एक और बुक देखने को मिलेगी और एक ये इसके साथ में, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको रखते थे साइड में, और साइड में रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लेंस वगैरह का, यहाँ पे इसमें ये आगे कांच आता है लेंस का, तो ये इसमें मिलता है और सिंपली आगे आपको मिलेगा इसका। ये देख सकते हैं ये हमारे कैमरे का जैसे चार्जिंग होता है तो ये हमारे को इसमें भी मिलता है, और ये चार्जिंग को भी रखते हैं साइड में। और इसके ये केबिल है तो ये भी इसमें आपको थैली वगैरह में पैक मिलेगी। ये मैंने इसको फाड़ के ये अलग से कर दिया था और मैंने इसका जैसे कि इसको भी रख देते साइड में। और इसमें आपको और क्या चीज़ मिलेगी, ये आपको देख सकते हैं ये इसका ट्रिगर है और ये इसका फ्लैश है, तो फ्लैश में आपको ये ट्रिगर मिलता है फ्लैश के साथ में, तो इसको भी साइड में रख देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे और देखने को मिलेगा, और आगे जाओगे तो आपको मिलेगा ये देख सकते हैं, ये मैंने इसके साथ में लेंस भी परचेस किया था। तो हम सिंपली इस लेंस को ओपन करते हैं, तो सिंपली आप देख सकते हैं ये लेंस मेरे पड़ा, ये देख सकते हैं 18-135 लेंस मैंने इसके साथ परचेस किया था। और आप भी ये लेंस बेस्ट लगा क्योंकि मैं इसको, आप जैसे अगर वीडियो बनाते हो या फिर फोटो वगैरह भी शूट करते हो तो सिंपली आपको इसे जूमिंग कर सकते हो और बहुत अच्छा जूमिंग में आपको ये लेंस देखने को मिलता है। और क्या है कि ये आपको जैसे आप ब्लॉग वगैरह बनाते हो, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी बनाते हो तो ये ठीक है लेंस और बहुत ही अच्छा लेंस है, इसीलिए मैंने ये परचेस किया। तो आप भी कर सकते हो कोई भी, तो सिंपली इसको भी रख देते हैं साइड में। और फिर आपको दिखा दूँ यहाँ पर वो कैमरा, तो सिंपली इसको यहाँ पे रख देते हैं और सिंपली आपको मिलेगा फिर कैमरा। तो सिंपली देख सकते हैं ये कैमरा है और इसको हम करते हैं बाहर की ओर लाते हैं इसको, और आपको बता दूँ जैसे कि ये देख सकते हैं ये कैनन का 80D है। और आज इसमें आप देख सकते हैं कि और ये इसका है, और देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पिक्चर है और इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। और इसमें आपको ये आपको स्क्रीन देख सकते हैं, इसमें स्क्रीन है जो ये पूरी रोटेट होती है स्क्रीन आगे की तरफ। अगर आप वीडियो वगैरह भी बनाते हो यूट्यूब पे तो आगे की तरफ इस तरीके से रोटेट करके आप सिंपली देख भी सकते हो कि किस तरीके से आपके आपको आपको सामने दिख जाएगा कि आप ट्राइपॉड पे रख के सामने दिख जाएगा कि आप कैसे आप लग रहे हो, और इस तरीके से आप वीडियो बना सकते हो। तो इससे आप हल्का सा घुमाना है आपको, और आपको ध्यान रखना है इस तरीके से ये नीचे की ओर नहीं मुड़ती है, पूरी रोटेट होती है, लेकिन आप देख सकते हैं इसे इस तरीके से आप इसे वापस बंद भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हो, और सिंपली यहाँ से इसका ऑन ऑफ होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या पूरी स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे नॉर्मल DSLR यूज़ करना चाहिए, और क्या इसकी सेटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें बताऊंगा आगे की वीडियो में। तो सिंपली इसमें आपको लेंस में देख सकते हैं, लेंस में आपको एक चीज़ और बता दूँ, लेंस में आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस लेंस में आपको यहाँ से इस ढक्कन को ओपन करना है, और ये ढक्कन इस तरीके से ओपन होगा इसको दबा के इस तरीके से, और देख सकते हैं इस तरीके से आपको दबा के वापस इस तरीके से लगाना है इसको, तो आप इस तरीके से वापस इसको लगा सकते हैं। इसका आपको ख़ासतौर पर ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको शायद नहीं पता हो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो सिंपली इस तरीके से, और इसका सिंपली ये इसका ब्लर रिंग होता है, और सिंपली ये जूम आउट का होता है, ठीक है। तो ये ब्लर हो रहा हो तो इससे आप सही कर सकते हैं, और सिंपली इस तरीके से ये ढक्कन खुलेगा और पीछे से आप देख सकते हैं ये। तो सिंपली आपको इसको मैं कैमरे के लगा के बता दूं कि किस तरीके से ये कैमरे में लगेगा। तो सिंपली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये लेंस इसके लगाओ ना तो सिंपली आपको यहाँ पर आपको एक वाइट देख सकते हैं वाइट का ये मिल रहा है, तो वाइट पर आपको ये वाइट का मिलाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको देख लेना है
देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको व्हाइट और व्हाइट, ठीक है, व्हाइट व्हाइट को आपको मिलाना है। ये इसका निशान होता है, इसे आप मिलाओगे और मिलाने के बाद हल्का सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जैसे आप इस तरीके से आप रखोगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करना है लेफ्ट साइड की ओर। आप हल्का सा यहाँ पर करोगे तो आपको एक आवाज़ आएगी, देखना आई, ठीक है, इस तरीके से कट कट की आवाज़ आएगी और आप समझ जाना है कि ये लेंस हमारा पूरी तरीके से ठीक से लग चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें लेंस भी लगा सकते हो और इस चीज का आपको खासतौर पे ध्यान रखना है। और आप इसे लेंस को आप इस तरीके से लॉक भी कर सकते हो, लॉक बटन आता है तो सिंपली आप इसे यहाँ पे ये लॉक हो चुका है, जिससे कि यह लेंस आप इसका आप जूम आउट नहीं कर सकते, ये लॉक हो चुका है। और ये बहुत सारे और ऑप्शन भी मिल जाते हैं इसमें, और इस तरीके से आप भी इसकी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसे ये तो बता दिया, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसको ऑन के, और यहाँ पर आपके मिलेगा एक, ये मैंने इसे पहले लगा दिया था, इसकी बैटरी, और बैटरी का यहाँ देख सकते हैं कैमरे का आपको उल्टा करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगी कैमरे की बैटरी। और इस तरीके से आपको कैमरे की बैटरी कैसे निकालनी है, हल्का सा इसको इस तरीके से करना है और कैमरे की बैटरी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको ये करना है, और इस तरीके से ये कैमरे की बैटरी है, और इस तरीके से मैं इसको पकड़ के हल्के से और अंदर दबाऊंगा इस तरीके से उंगली से, तो हल्का सा दबाने पर ये ऑटोमेटिक ऐसे लॉक हो जाएगा। इसे दबा के आप इस तरीके से कर सकते हो, और ये कैमरा इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑन करके इसमें, तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। और इस तरीके से आप ये आप कैनन का 80D आप भी परचेस कर सकते हो, और आप अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो इससे बहुत ही अच्छा क्वालिटी इस कैमरे की मिलती है देखने को। और आप इसमें फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हो तो फ़ोटो की भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। ये मेरे को अच्छा बहुत ही अच्छा कैमरा लगा, तो आप भी अगर परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस तरीके से इसकी आगे की वीडियो आगे बताऊंगा कि इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।